भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों की तैयारी में कांग्रेस पार्टी से कोसों दूर आगे है, ये कहना है भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर का। नूरपुर में हुए महिला जनसम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज वो 14वें जनसम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले वो युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा इत्यादि सम्मेलन में शिरकत कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इन सम्मेलनों में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है, उससे जाहिर होता है कि भाजपा जोरदार जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय राजनीति में है, लेकिन जनता को उत्साह देकर साफ जाहिर है कि जनता एक बार पुनः भाजपा को ही सत्ता में सौंपने के मूड में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सवा साल की सरकार की नीतियों का भी प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचा है, जिससे प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा को अप्रत्याशित जीत हासिल होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में कांग्रेस से कोसों मील आगे गई है। हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धर्मशाला आए थे, ऐतिहासिक रैली हुई और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, सारे लाभार्थी उसमें इकट्ठे हुए थे और जो सभा स्थल था वो भी छोटा पड़ गया था और उसमें जितने लोग आए थे हिमाचल प्रदेश में उतने लोग कभी इकट्ठे नहीं हुए। उसके बाद पन्ना प्रमुख के चार सम्मेलन लोकसभा चुनाव क्षेत्र के चारों चुनाव क्षेत्रों के अलग अलग हुए। उसके बाद हमारी पार्टी ने कार्यकर्ताओं की कार्यशालाएं लगाई और अब 26 तारीख को जब मुझे उम्मीदवार घोषित किया गया, 26 अप्रैल से चुनाव प्रचार का शुभारंभ हुआ। बैजनाथ की तपोभूमि शिव का आशीर्वाद लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक श्री शांता कुमार जी का आशीर्वाद लेकर वहां से चले। आज मैं 14वें चुनाव क्षेत्र में पहुंचा हूं। यहां सम्मेलन, अलग अलग सम्मेलन, महिला मोर्चा के सम्मेलन, एससी मोर्चा के सम्मेलन, युवा मोर्चा के सम्मेलन जो है वो हो रहे हैं। भीड़ आप देख रहे हैं, लोगों में बहुत उत्साह है। मैं भी राजनीति में बहुत समय से हूँ, ऐसा उत्साह मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में भी आगे है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो जन कल्याण की नीतियां हैं, जो 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लोगों के लिए बनाई थी, उनको धरती पर लाकर खड़ा भी किया है, लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है और प्रदेश में भी जो 1 साल 3 महीने से हमारी सरकार है उसकी जो नीतियां हैं जिससे लोगों को लाभ मिला है, उसका ही ये परिणाम है कि हमें भारी जन समर्थन मिल रहा है।